बाड़मेर के बालोतरा में दर्दनाक हादसा हो गया। पचपदरा के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद आग लगी, जिंदा जल गई जिंदगियां। आग में जिंदा जले 12 लोग, 27 लोग घायल। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने पुष्टि की है। बस ट्रक को काटकर किया अलग। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को केंद्र सरकार की ओर से 50-50 हजार की मदद। तो सीएम गहलोत ने भी हादसे पर संवेदना जताई है। मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 5-5 लाख रुपए की मदद, घायलों को राज्य सरकार की ओर से 1-1 लाख की मदद दी जाएगी। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शोक जताया है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना उन्होंने की है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी संवेदना जताई है। बाड़मेर के बालोतरा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बालोतरा में ये दर्दनाक हादसा, जहां पचपदरा के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई और ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि इसके बाद आग लग गई और कई जिंदगियां जिंदा जल गई। आग में जिंदा जले 12 लोग, वहीं 27 लोग घायल हो गए। जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी दुख जताया है, खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से सभी यात्रियों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने इसकी पुष्टि की है कि 12 लोग जले हैं, वहीं 27 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पीएमओ से भी ट्वीट जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें, ये हादसा इतना खतरनाक था, भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि जब वहां पुलिस पहुंची तो बस और ट्रक को काटकर अलग किया गया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद दी है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और इसको लेकर दुख व्यक्त किया है। और हमारे सहयोगी अशोक शेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, घायल कितने लोग हुए हैं अभी फिलहाल, क्या जानकारी है उनको लेकर? देखिए मेगा, सुबह से ही जो हादसा है उसके हुआ है, उसके बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन है वहाँ घटनास्थल पर है। और अभी तक जो अपडेट है, लास्ट अपडेट है, उसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि की गई है और करीब 22 लोग हैं वो घायल हैं, जिनका उपचार है बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भी करवाया जा रहा है। पचपदरा की जो CSC है वहाँ भी 4 जो मरीज है घायल है उनका वहाँ उपचार है और कुछ 3-4 मरीजों को जोधपुर रेफर किया गया है। वहाँ पर मथुरादास माथुर में भी उनका उपचार किया जा रहा है। लगातार जो हाईवे पर जाम लगा था उसको पूरी तरह से अब खुलवा दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना हुई है, पूरे घटनाक्रम के बाद देश भर में जो है शोक की लहर छाई है। पीएम मोदी से लगा करके सीएम अशोक गहलोत और कई नेताओं ने इसकी जो दुख जताया है पूरे घटनाक्रम को लेकर। अभी जो जोधपुर IG है नवजोत दुबई, वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। SP सुबह से ही वहां पर है और लगातार जो वहां के घटनास्थल है उसका जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल अशोक, और कहां कहां के ये लोग बताए जा रहे हैं, कहां से ये आ रहे थे जो अभी घायल हैं, उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई होगी? निश्चित रूप से जो घायल है उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये जो बस है ये सूरत गुजरात से आई थी और बालोतरा होते हुए जोधपुर जा रही थी। एक निजी बस है जिसमें जो अधिकतर सवारियां जो बताई जा रही है वो बालोतरा क्षेत्र के आसपास की बताई जा रही है। एक जो है वो बाहरी राज्य का भी जो घायल है वो बताया जा रहा है। जो मृतक है 12 लोग, उनकी अभी तक पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पा रही है क्योंकि जलने के कारण शवों की ऐसी स्थितियां हो चुकी है कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। उनके DNA के लिए उनके जो सारे जो बॉडीज है वो जोधपुर भेज दी गई है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं प्रशासन पुलिस कि इन लोगों की जल्द से जल्द शिनाख्त हो जाए। जी बिल्कुल, और क्योंकि जहाँ से ये बस चली होगी, जिस तरह आप कह रहे हैं गुजरात से ये बस आ रही थी, तो क्या वहाँ इनका रिजर्वेशन होगा उसको लेकर, वहाँ निजी बस है वहाँ कॉन्टेक्ट किया गया है? निश्चित रूप से जब ये गुजरात से बस चली थी तो कुछ सवारियां जो थी वो बालोतरा पर उतर गई थी और उसके बाद से जोधपुर के लिए बालोतरा से कुछ सवारियां बैठी थी, तो उनका रिजर्वेशन को लेकर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि लगातार ये भी जानकारी जुटाई जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कि इनके रिजर्वेशन आखिर करवाया गया है या फिर जो बस संचालक है जो है उनके द्वारा लापरवाही से कहीं ना कहीं उनके रिजर्वेशन भी नहीं करवाया। ये बात पूरे को लेकर जांच की जा रही है लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनका रिजर्वेशन हुआ था या फिर, क्योंकि अगर रिजर्वेशन होता तो अब तक कई लोगों की शिनाख्त हो जाती
कहीं ना कहीं ये बात हो निश्चित रूप से हो सकती है कि कई लोगों का वहां पर बस के अंदर रिजर्वेशन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, पहले से ही रिजर्वेशन नहीं हुआ हो सकता है कि रास्ते में लोगों को बैठाया गया हो, लेकिन अब वो शिनाख्त की जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया अशोक पूरी जानकारी के लिए। और शिव प्रकाश जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, हॉस्पिटल में जो घायल हैं वो वहाँ उपस्थित हैं, उनका इलाज जारी है, फिलहाल क्या स्थिति है घायलों की? सबसे बड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि जो इस हादसे में 11 जनों की डेथ हुई है उन सभी की शव है वो यहाँ एमजीएस मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये है जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे होंगे। एमजीएस अस्पताल की मोर्चरी में सभी 11 शव लाए गए हैं क्योंकि एक भी मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, इसलिए सभी जो यहाँ पोस्टमार्टम होगा और उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा उसके बाद ही शिनाख्त हो पाएगी। लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी मिली है 10 जन व्यस्त हैं और एक बच्चा है जिनकी यहाँ डेथ हुई है। जोधपुर में कुल जो है 7 घायल आए हैं जिनमें 4 एमडीएम अस्पताल में हैं और 4 यहाँ एमजीएस अस्पताल में हैं जिनका उपचार चल रहा है और बाकी जो सभी घायल हैं उनका नाहटा अस्पताल है वहाँ उपचार चल रहा है। देखिए आप यहाँ सभी शव हैं वो यहाँ लाए गए हैं, कहीं न कहीं एक दिल दहला देने वाली तस्वीर इसको आप कहा जा सकता है। इन एक गठरी में बांधा गया है, शायद यह दृश्य जरूर दर्शकों को विचलित कर सकता है क्योंकि किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं अब इन सभी शवों को जिस तरह से यहाँ लाया गया है एक एम्बुलेंस में डाल के इन सभी शवों को यहाँ एमजीएस मोर्चरी में रखवाया जाएगा। उसके बाद जो परिजन आएंगे उनके डीएनए टेस्ट होंगे और उसके बाद ही शिनाख्त हो पाएगी कि उनकी क्या पहचान है। शिवप्रकाश, क्योंकि ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं और बहुत विचलित करने वाली हैं, दुखद ये तस्वीरें हैं, क्योंकि ये और दुखद इसलिए भी हो जाता है कि ये जो शव हैं इतने जल चुके हैं कि अभी शिनाख्त करने में भी समय लगेगा और शायद ये इतनी बुरी तरह जले हैं कि इनको गठरी में लेके आया गया है, थोड़ा विचलित करती हैं ये। शिव प्रकाश, कोई अभी जानकारी कोई परिवार से या कोई व्यक्ति आया है, कोई परिवार वाले आए हैं इन घायलों से या मृतक के परिवारों से? घायलों के साथ जो आए हैं उनके जो है वो जरूर यहाँ है लेकिन मृतक का अभी तक कोई भी परिचय, क्योंकि अब जिस तरह से ये बस जहाँ से चली थी वहाँ पता किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बालोतरा में ट्रेलर बस की भिड़ंत में 12 की मौत हुई है। जोधपुर आईजी नवज्योति गोगई पहुंची घटनास्थल और पहुंच के उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे को लेकर FIR भी यहाँ पे लिखी गई है। ये करीब 11 बजे ये घटना हुई है। ये ट्रोला जो है ये जोधपुर से बाड़मेर की तरफ और ये जो पैसेंजर बस है ये बालोतरा से जोधपुर की तरफ आ रहा था। ये फ्रंट आमने सामने हुई है, प्रोबेबली ये ओवरटेक करने के टाइम पे हुई है, बट इस पर तुरंत आग लग गया दोनों वाहनों में। अभी तक जो खबर है उस हिसाब से 10 लोग का वहाँ यहाँ डेथ हुए हैं, जो इस एक्सीडेंट स्पॉट में जिसका डेथ बॉडी मिला है, एक का हॉस्पिटल में डेथ हुए हैं। उस हिसाब से हम 11-12 इस पे हूँ और कुछ लोग अभी जो सीरियस है वो जोधपुर में भर्ती है, इलाज हो रहा है उस पर और यही है अभी तक।